एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं अभी साफ करने के लिए बैठी हूँ। ये है पुड़का, इसको चाइनीज पोटैटो बोला जाता है, और ये ना तमिलनाडु और केरला में मिलता है। तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है और इसमें बहुत मिट्टी रहता है। तो रात को मैं भिगा के रखी थी, तो अभी थोड़ा घिस के इसका मिट्टी चला गया है। अभी इसका स्किन निकल के छोटा छोटा करके काट करके फिर बनाऊंगी, और कैसे बनाऊंगी वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं निकल के दिखाती हूँ कैसा करके निकलने का, जैसा पोटैटो छीलते हैं वैसा ही छीलने का। जैसा देखिए ऐसा करके क्लीन करना पड़ता है, और अच्छे से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी रहता है ना, तो थोड़ा सा भी स्किन नहीं रहना चाहिए। और ऐसा क्लीन करके दूसरा बाउल में रख दी, और इसमें पानी है नहीं तो ना ब्राउन पड़ जाते हैं। तो मैं एक एक करके सब छील लेती हूँ। ये देखिए क्लीन हो गया, तो मैं अभी पानी में ही रख देती हूँ और बाद में कट करूँगी। छोटा छोटा करके कट करना पड़ेगा। और अभी मार्केट से फीस लेके आया, मैं अभी वो क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद कट करूँगी। आधा किलो पुड़का था और 20 मिनट लगा है क्लीन करने के लिए। अभी मुझे क्लीन करना है फीस, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए पापलेट और रानी मोशा, तो काट के लेके आया है, मुझे सिर्फ क्लीन करना है। और ये है झींगा, झींगा मैं ऐसा ही धो के स्टोर करके रखूँगी। थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, तो ऐसा थोड़ा पानी में देता है तो उसका स्किन इजीली खोल जाता है, और ऐसा क्लीन करके रखेगा ना तो एक दूसरे से चिपक के रहता है। मैं ऐसा ही धो के स्टोर करके रख देती हूँ। ये देखिए साफ हो गया, और मैं अलग अलग डब्बे में भर के रख दिया है। आज झींगा फ्राई करूँगी, तो मैं अभी बाकी सब फिश डब्बे में भर के फ्रीजर में रख देती हूँ। काट के हो गया, और ये देखिए इतना छोटा छोटा करके काटना है, और इसमें नमक हल्दी देके उबालने का है। अभी ये जब तक उबलता है तो मैं तब तक फिश फ्राई कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड कर दी। मैं सिंपली बनाया, नमक हल्दी लगा के रखा था, और ये हरा मिर्ची देके मैं झींगा डाल दिया, और लास्ट में थोड़ा सा मिर्ची पाउडर देके थोड़ा फ्राई करने का है। और अभी बन गया है, मैं गैस बंद करती हूँ। मैं पुड़का के लिए मसाला लिया है, 2 मीडियम साइज का कांदा लिया है वो काट लिया है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और नमक भी आधा चम्मच, क्योंकि पुड़का उबलने के टाइम ना मैं आधा चम्मच दिया है। तो मैं अभी ये पीस लेती हूँ। ये देखिए मैं पानी दिया ही नहीं है क्योंकि कांदा में पानी है। मैं अभी देखती हूँ पुड़का उबल गया क्या, पक गया है। मैं आधा ही पकाया, फिर मसाला के साथ पकाऊंगी। मैं राई का ऑयल से बना रही हूँ, आप कौन सा भी ऑयल से बना सकते हैं। अभी मैं राई ऐड कर रही हूँ, अभी मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाला हल्का सा फ्राई होने के बाद ही मैं पुड़का ऐड करूँगी। और ये मसाला जब मैं पीसा था तब मैं ऑयल ऐड नहीं किया, आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते। मैं अभी पुड़का ऐड कर दी, मैं अभी ढक के पकाऊंगी, ऐसा बीच बीच में खोल के सब्जी को हिलाने का। बन गया है, और देखिए इसका कलर ब्राउन कलर हो गया। मैं अभी गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए बन गया है पुड़का, और मुझे बहुत पसंद है। अभी मुझे रहा ही नहीं जा रहा है, अभी मुझे लंच करना है, तो चलिए लंच करते। खाना खा के हो गया, मैं अभी बेडरूम में हूँ। और पुड़का का सब्जी बहुत मस्त बना था। पुड़का कोई भी केरला दुकान में मिल जाएगा, हमारा नज़दीक केरला का दुकान है, मैं वहाँ से लेके आई थी। और पुड़का अगर नहीं मिलेगा ना तो बटाटा के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन पुड़का का जो स्वाद है वो मिलेगा नहीं। तो मैं अभी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, अगला वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।